तो इस समय भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गई है और आज फाइनल मैच है इंडिया वेस्ट इंडीज़ के बीच में तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जो कि ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा लेकिन आपको बता दें कि बिगर पिक्चर अगर आप देखेंगे तो एशिया कप आने वाला है जिसकी शुरुआत 30 अगस्त को होने जा रही है और इसमें कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे किन किन प्लेयर का योगदान किस तरीके से होगा इसको लेकर के एक बहुत बड़ा जो है वो बयान आया है रविंद्र जडेजा का और साफ तौर पर जडेजा ने कह दिया है कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट वगैरह हो रहे हैं वो तो

के लिए यहां पर जो काम है वो चल रहा है लेकिन आप पंद्रह सदस्य टीम से भी आगे जडेजा निकल गए और प्लेइंग इलेवन भी जो है है टीम इंडिया ने कर लिया है। एक तरीके से अपने आप के पास में उन्होंने ये जानकारी रखी हुई है लेकिन उनको पता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा एंड ये मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा कि क्या पंद्रह की स्क्वाड आपकी एशिया कप एंड वर्ल्ड कप के लिए होगी क्योंकि जडेजा ने बहुत जा... एक आप कहेंगे कि हिंट दे दिया है एंड 11 प्लेयर डिटरमाइन करना ये सिर्फ एशिया कप के नहीं है ये आपके वर्ल्ड कप के लिए भी चुन लिए गए हैं तो लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक स्टॉक के साथ में और कोई भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट एंड बने स्पोर्ट्स टॉक के साथ में